हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक औषधि के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास आप ये देख सकते हैं हल्की सी पीली, रेड, हल्की सी ब्लैक, थोड़ा सा डार्क ब्राउन आपको लग रहा है दोस्तों। इसका नाम है गूगल, यानी गूगल गूगल कई तरह के नामों से ये जाना जाता है भारतवर्ष में दोस्तों। ये एक तरह की गोंद है जो गूगल नामक वृक्ष से हमें मिलती है। ये गोंद इकट्ठा की जाती है और इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है आयुर्वेद में दोस्तों। ये जो गोंद है ये कई तरह के रोगों को दूर कर सकता है। आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, आपके झड़ते वालों को रोक सकता है, गंजेपन को दूर कर सकता है, पेटों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है, आपके पैरों की घुटने की जो दर्द होता है, घुटने में गठिया रोग होता है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। लेकिन मेरे घर में एक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मैंने पर्सनली इसका यूज भी किया है और घर में बाकी लोग भी इसको यूज करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो मुझे लगा आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी दोस्तों। किसी और रोग के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, जो मैंने यूज किया है ना वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे इसका इस्तेमाल तो बहुत सारे रोगों में किया जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, एक ब्रश से इसकी गोंद इकट्ठा की जाती है और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन ये बहुत सारे रोगों में हेल्प करती है। उसमें से एक ये भी है गूगल दोस्तों। मैंने इसका इस्तेमाल किया है गले के दर्द को दूर करने के लिए। जी हाँ, कभी कभी हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है और हम लार भी गटक नहीं पाते और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में। तो आपको क्या करना होता है, मेरे पास मैंने इसे बना लिया है। आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना है और बहुत थोड़ा सा गूगल लेकर इसे थोड़ा सा पकाना होता है और उसके बाद आपको ऐसे लेकर और अपने गले में लगा लेना होता है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही करना है। और आपको बता दें इसकी खुशबू लाजवाब है, बहुत ही अच्छी खुशबू आपको आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसे खाना है, इसे अपने गले के ऊपर यूं लगाना है। आपको बता दूं इसकी तासीर गर्म होती है, गर्म तासीर की वजह से ये हमारे गले की सिकाई करती है और जो भी इन्फेक्शन के बैक्टीरिया होते हैं उसे ख़त्म करती है दोस्तों। दिन में कई बार अगर इस तरह आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका गले का दर्द दूर हो जाएगा। जी हाँ, मैंने खुद इस्तेमाल किया है और मैं 100% बोलती हूँ ये वर्क करता है। लेकिन तब वर्क होता करता है जब हमारे गले में इन्फेक्शन हो, हमें लार गुटकने में दर्द हो रहा हो, गले में सूजन आ गई है, तब उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर से ट्राई करना और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, आपने किसी और रोग में गूगल का इस्तेमाल किया है तो आपका क्या अनुभव रहा मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा। और हाँ दोस्तों, कोई भी सवाल इस वीडियो को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैंने एक और नया चैनल अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लैम ज्योति दोस्तों। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़, मैंने अपने दूसरे चैनल ग्लैम ज्योति की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप ज़रूर से विजिट करेगा, जहाँ पर आपको मेकअप के और प्रोडक्ट रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।